आसान जी, मैं हूँ शाजिया अमीन TN न्यूज के साथ और इस वक्त मैं हूँ फ्रेया हॉल में, जो कि टिकटॉकर्स का ससुराल कहा जाता है। और आज हम यहाँ पे बहुत मजे मजे के लोगों के साथ बहुत मजे मजे की बातें करने वाले हैं। अच्छा जी, हम इन भाई साहब के पास आए हैं। मैं तकरीबन हम लोग जब से यहाँ आए हैं तो 15 मिनट हो गए हमको आए, 15 से 20 मिनट से मैं देख रही हूँ कि दोनों भाई फोन के साथ मुसलसल कुछ नहीं कर रहे। भाई, क्या आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है? नहीं, इजाज़त तो है। तो फिर आप बाहर क्या कर रहे हैं? बस हमें दरअसल वीडियो बनानी थी, शूट करनी थी, तो हमें सनलाइट चाहिए थी, इसलिए हम लोग बाहर। अंदर ज्यादा कर रश है। नहीं तो अंदर क्या सूरज शर्मा जाता है? अंदर सूरज नहीं है, हम लोग शर्मा गए। चले जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो बनाइए आप, कंटिन्यू करें, अगर इजाजत मिले तो अंदर भी आ जाइएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अंदर। इसी तरह के मजे मजे के लोग हमको मिलेंगे, जिनसे हम मस्तियां भी करेंगे, बातें भी करेंगे, मजाक भी करेंगे। चलिए अंदर चल के देखते हैं। इजाज नाम है मेरा। इजाज नाम है? अभी तो कोई डॉन डॉन करके आपको पुकार रहा था। मेरा नाम ही डॉन है भाजी। नहीं, वैसे हालत देख के लगता तो नहीं है। एनीवेज, तो आप यहाँ क्या करने आए? घूमने फिरने के लिए आए थे, मैं समझे वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, तो आप मतलब आप भी चश्मा उतार के दिखाएंगे कि ये भी वीडियो बनाने आए? अच्छा, आँख का थोड़ा मसला है, इस वजह से पहने। चले सॉरी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोगों को वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? बनाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों का शौक है वीडियो बनाने में, फेमस बन जाऊँ। नहीं, क्योंकि फिर छेड़ते भी है ना यहाँ पे लड़कियों को आके, ये सब करने तो नहीं आते हो तुम यहाँ पे? नो सर, नहीं आएगा इंशाल्लाह। सर कौन भाई, मैडम हूँ मैं, क्या हो गया तुमको? बाकी चश्मा उतार दो क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है। चले जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत शुक्रिया भाई। जाइए आप अपनी वीडियो। जी अभी हमें एक और भाई साहब मिले हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद सादिक। सॉरी, मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक, इनकी हाइट इतनी है कि मुझे आई थिंक यहाँ पे चढ़ के इनसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो आप टीवी देखते हैं? जी। कभी कभी देखते हैं। तो एक्ट्रेस के बारे में तो जानते होंगे आप? मैं एक्ट्रेस के बारे में इतना खास नहीं जानता। अच्छा, तो मतीरा को तो ऑब्वियसली जानते होंगे? नहीं, उनको भी नहीं जानता। जब जानते ही नहीं है तो मैं आपसे बात भी क्या करूं। एनीवेज, तो अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप यहाँ क्या करने आए? हम एंजॉय करने आए। यहाँ पे क्या एंजॉय करने लाइक? ये सब टिकटॉकर हैं, उनको देख रहे हैं। अच्छा जी, टिकटॉकर्स को देखने आए हैं, मतलब आज के दौर में भी लोगों के पास इतना टाइम होता है? सॉरी। अच्छा, तो आप खुद टिकटॉक नहीं बनाते? नहीं, हम उन्हें खुद नहीं बनाई और इनको देखते हैं। अच्छा, इनको देख के एंजॉय करते, खुद नहीं बनाते? वैसे आपको खुद बनानी चाहिए, माशाल्लाह से हैंडसम है। चलो कभी हेयर बनाएंगे। बिल्कुल, इनको चाहिए कि ये टिकटॉक बनाए। और इसी तरह आप कब मतलब रोज आते हैं यहाँ पे या पहली बार आए? नहीं, कभी कभी आते हैं छुट्टी वाले दिन एंजॉय करने। छुट्टी वाले दिन एंजॉय करने। चले जी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वाकई ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ हर कोई एंजॉय करने आ सकता है। एनीवेज, मैं इससे पहले कि यहाँ से गिर जाऊँ, मैं आपसे सफाई करना चाहती हूँ और ढूंढते हैं कोई और शख्सियत जिससे हम मजे मजे की बातें कर सकें। यहाँ पे देख रहे हैं चार पांच कोई बहुत ही यंग लोग लेटे हैं यहाँ पे, और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चलो, बाकी सब लोगों का तो समझ में आता है, हमारी यूथ है, हमारे आजकल के टिकटॉकर्स हैं, ये यहाँ पे क्या करने आए हैं? ज़रा चलिए हम इनसे सवाल करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल। चले जी, इनका नाम गुल है और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम असल में हम पाँच दोस्त हैं और हम तकरीबन 15-20 दिन या 25 दिन के बाद आपस में मुलाकात करते हैं और हम बचपन के दोस्त हैं। अच्छा जी, ये जो पांचों हैं ये बचपन के दोस्त हैं और ये मतलब इनका कहना है कि 15-20 दिन बाद ये लोग इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे आप जब इकट्ठे होते हैं तब यही सभी चीज़ें होती हैं? हम सब होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ हो, कभी यहाँ या जहाँ पर भी हमें सूट करता है। ये शाम में हमने जहाँ जाके जो है ना वो खाना खाना होता है, तो उसके करीब कोई से भी वीनू हो तो उसके बस जहाँ पर हम जाके बैठ जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। चलें जी, इनको देख के थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है इस चीज़ को लेके। बेटा, ये दाल छोड़ दें। थैंक यू। अच्छा जी, तो इनसे मैं पूछूंगी कि ये टीवी से रिलेटेड चीज़ें जानते हैं? आप टीवी देखते हैं? देखते हैं, टीवी देखते हैं, यकीनन देखते हैं। आजकल तो वैसे भी मीडिया का दौर और खास करके सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, सोशल मीडिया का दौर तो है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि मतीरा को जानते हैं? जी, यकीनन नाम से जानता हूँ। मतीरा को कौन नहीं जानता? अच्छा, नाम से जानते हैं, मतलब चेहरा नहीं जानते? चेहरा भी देखा मैंने उनको, उनकी कुछ वीडियोज वगैरह देखी थी। तो आपको मतीरा कैसी लगती है? किस सेंस में?
देखिए जिस सेंस में आप जा रहे हैं उधर मत जाइए। बाय फेस बाय नेचर स्क्रीन पे आपको कैसी लगती है? फेस जो है वो आजकल उनका फेस बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है बनिस्बत जो है वो पहले के, तो पहले वो काफी स्लिम और स्मार्ट हुआ करती थी और अब जो है वो बहुत ज्यादा शायद वो अब अपना जो है ना ख्याल नहीं रखती है। हाय सो स्वीट, तो मुझे लगता है मतीरा इनको बहुत जोर से लगती है इसलिए इन्होंने इतने गौर से उनको देखा है। एनीवेज तो आप खुद टिकटॉक्स नहीं बनाते? नहीं टिकटॉक जाहिर सी बात है अब हमारे वो वाली उम्र थोड़ी है टिकटॉक पर। नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने यहाँ पे भी कितने ऐसे वाइट दाढ़ी वाले अंकल और ये सब देखे टिकटॉक बनाने वाले, तो आप तो माशाल्लाह इतने यंग हैं। ये तो सबकी अपनी इंस्पिरेशन की बात है ना, अगर कोई उससे ज्यादा इंस्पायर है और उस चीज के अंदर जो है ना वो अपनी सेटिस्फेक्शन समझता है तो लाजमी सी बात है वो बनाए। हाँ ये भी है, ये भी कह सकते हैं कि आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ चीजें करते हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही सलामत साथ में रखे, बचपन के दोस्त, बहुत शुक्रिया। अभी हमें एक टिकटॉकर मिले हैं जिनका नाम है मलिक एहसन। मलिक एहसन ये हमें एक एक्ट करके दिखाने वाले हैं, ठीक है? चलें जी बताइए क्या था वो? मैं तो एक मैकेनिक था, ये टिकटॉकर की मेहरबानी है भाई। ओ साहिर भाई क्या बात है भाई, मजा आ गया लड़के, बहुत शुक्रिया। और इनका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, काश इस जैसे दो चार लोग और मिल जाए तो इतनी मिट्टी मलीद ना हो हमारी। थैंक यू सो मच।